हेलो, मैं हूं बैड जंकी और इस वीडियो में मैं ब्रेकडाउन करूंगा स्वाहा सॉन्ग बाय चीर फाड़का। सबसे पहले आते हैं ड्रम्स पे। इसमें मैंने दो अलग अलग तरीके के ड्रम्स यूज़ किए हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स हो गए और दूसरे ट्रैप ड्रम्स हो गए। दोनों को ब्लेंड किया आपस में। ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स के लिए तो मैंने सबसे पहले अलग अलग हिट ले लिए जो परकशंस होती हैं ऑर्केस्ट्रल कैश्मीर के लैब से, उसके बाद उनका पैटर्न ड्रा किया ये। और उसके ऊपर एक ऑर्केस्ट्रल हिट और लगाई है, जैसे इसको एज अ इम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है। और इसके ऊपर मैंने ड्रम्स लगाए हैं ट्रैप वाले ऐसे। हैवी सब है बिल्कुल, मतलब भरने के लिए पूरा गाना। और उसके ऊपर मैंने एक क्रैश लगाई है, वो भी मतलब ऑर्केस्ट्रल सी वाइब भी आ रही है। ड्रम्स में ना हाई एंड मिसिंग था, तो हाई हैट्स यूज़ करने की जगह मैंने कहीं कहीं यही यूज़ किया। और इसके बाद कैश्मीर का प्रकर्शन लूप यूज़ किया सिनेमैटिक। ये अकेले सुनने में तो ऐसा लगता है कि लो क्वालिटी है, पर ड्रम्स के साथ सुनने में भरा भरा सा लगता है। और ऐसे ही गाने में आगे ऑर्केस्ट्रल लूप्स को यूज किया गया चॉप कर करके, ये यूज हुआ। और एक पार्ट में हाइयर्स भी ऐड हो जाते हैं ट्रैप वाले। और वैसे ही एक और लूप यूज किया ऑर्केस्ट्रल का प्रकर्शन लूप, थोड़ा बीट को बिल्डअप सा बनाने के लिए एक तरह से कोरस से पहले। लास्ट में मैंने ड्रम्स चेंज किए, जहां होता है ना स्विच होता है पार्ट, लास्ट का जो ड्रॉप पार्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज किया, रिदम को ना डबल कर दिया डबल स्पीड में। जो सब है उसको एक तरह से गेटेड इफेक्ट लगा दिया और उसके ऊपर स्नेयर और हाई हैट्स को ऐसे प्ले किया EDM जैसे, और उसको थोड़ा सा ट्रिपी बनाने के लिए ये बेस ऐड किया। ये चीज लास्ट कोरस में बिल्कुल जान डाल देती है, पूरी खतरनाक चीज है ये। ड्रम्स में तो यही चीज है। उसके बाद आ जाते हैं बैकिंग पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है गाना पियानो से। इस गाने में ना डिस्टॉर्टेड सा बेस है ऐसा, और ये मैं दिखाता हूँ कैसे बना है। ये प्रोसेसिंग के पहले सुनो क्या था, बहुत ही बेसिक साउंड है ये। अभी प्रोसेसिंग में क्या किया, सिर्फ एक है FL का अपना ही है ये। पैचर में जाके ना रोअर नाम का प्लगइन है, इसको मैंने अपने हिसाब से डायल किया हुआ है, तो ऐसी साउंड आ रही है। पूरे गाने को इसी ने भर रखा है। उसके बाद आते हैं पावर कोर्ड्स, जो इलेक्ट्रिक गिटार के होते हैं ना वो यूज़ किए हैं। ये भी कॉन्टैक्ट से बनाए गए हैं। और इसके बाद है रॉक गिटार, जो मेन एक लीड गिटार है, उसको कैसे बनाया, वैसे ही जैसे जीले जरा में बनाया था ना, पहले नॉर्मल गिटार को प्ले करके उसके बाद वो गिटार रिग लगाया उसके ऊपर, ये पहले था। ये इफेक्ट लगने के बाद है, प्रोसेस्ड है ये। और उसके बाद ब्रास यूज किया। और रिदम को थोड़ा सा फास्ट फील देने के लिए ना ये यूज किया स्ट्रिंग्स।
ये नॉर्मल ऐसे ही चलते रहते हैं बस पूरे गाने में। इंस्ट्रूमेंट में यही था। अब एफएक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले है रिवर्स इम्पैक्ट। इसको मैंने एज अ मिनी स्वीप यूज़ किया, बिल्कुल छोटा सा है पर वो ये इम्पैक्ट बढ़ा देता आने वाले ट्रांजिएंट का। उसके बाद है इम्पैक्ट और उसके बाद स्वीप डाउन है। और स्वीप अप है। और लास्ट ड्रॉप सेक्शन में जो एक स्वीप अप है लॉन्ग वाली, उसमें क्या किया है, जो जैसे बेस पे गेटेड इफेक्ट लगाया ना मैंने सब पे, वही इफेक्ट उस पे लगाया। और एक गेटेड राइजर है और एक रिवर्ब्ड क्लैप है, इम्पैक्ट है। ये भी कश्मीर की लैब से ही है। एफएक्स के लिए यही था बस। अब आ जाते हैं वोकल्स पे। तो सबसे पहले मेन वोकल है, सुन बाबा मुझे लाइफ में मेरे, ये बिल्कुल ड्राई थी जैसे मेरे पास आई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो एक लिमिटर लगाया गेट के लिए, ताकि जो नॉइस आ रही है ना वोकल के बाद वो कट हो जाए। उसके बाद कंप्रेशन है, डीएसिंग है, सैचुरेशन है क्रिस्पीनेस के लिए, और मेन टोनल इक्यू है एक तरह से। सुन बाबा वो एक पावर ऐड हो गई है एक तरह से, थोड़ी सी भर गई है वोकल। और उसके बाद मल्टी बैंड सैचुरेशन किया मैंने सैटर्न से, मिड एरिया बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव किया है, लो एंड थोड़ा सा कम, और हाइज भी थोड़ा सा कम किया उससे। उससे क्या होता है मिड ना थोड़ा सा डिस्टोर्ट होता है। सुन बाबा मुझे लाइफ में मेरे। और उसके बाद एक इमेजर ऐड किया, क्योंकि वोकल ना बिल्कुल सेंटर में थी तो मुझे चाहिए था थोड़ी सी वाइड हो, क्योंकि इस गाने में हमने बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी सिनेमेटिक टाइप यूज़ की ना, जैसे ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स हो गए और जो सिंथ्स भी हैं गिटार्स भी हैं वो भी वाइड आ रहे हैं एक तरह से स्टीरियो स्पेक्ट्रम में, तो ये वोकल बिल्कुल ही सेंटर में थी तो इसको थोड़ा सा वाइड किया। और उसके बाद रिवर्ब है, ये मैंने ट्रैक के ऊपर ही लगा दिया क्योंकि इसके मुझे जरूरत नहीं लग रही थी कि अलग ट्रैक बना के लगाऊं इस पे। सुन बाबा मुझे। और ये वॉल्यूम की ऑटोमेशन करने के लिए पूरे गाने में। इसके बाद आती है लेफ्ट राइट वोकल्स, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा थी इस गाने में, तो इसको एक एक करके प्रोसेस तो नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने क्या किया है, जो जो भी मुझे लगता था ना कि ये लेफ्ट राइट वोकल के अंदर जाएंगी, तो उनका बेसिकली एक ग्रुप बना लिया मैंने और सारे इधर से ही पैन करके ना इधर उधर लेफ्ट राइट पैन करके वो एक ट्रैक में भेज दिए और उसी में प्रोसेस किया सारा। प्रोसेसिंग सेम है, जो मेन वोकल पे डाली है वही इसमें डाली है, बस इसमें थोड़े से हाइज कम होंगे और डिस्टॉर्शन थोड़ी सी ज़्यादा। इसमें देखोगे कि कोई भी वोकल सेंटर में नहीं है, मेन वोकल के लिए जगह छोड़ रखी है वहाँ पे। और इसके साथ मैंने एक ट्रैक बनाया विस्पर्ड वोकल्स, तो इसमें मैंने ऐसे ही ट्रैक्स भेजे, जितने भी इनमें से विस्पर्ड वोकल्स थे ना वो मैंने इस ट्रैक में प्रोसेस किए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये साइड में ना हाइज एरिया में विड्थ ऐड करती है, तो ये अलग प्रोसेस की है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, इसको डबल किया वोकल को, जैसे ये सिंगल वोकल थी ना, बाकी जो फ्रिक्वेंसीज मुझे इसमें नहीं चाहिए थी वो कट कर दिया। और उसके बाद आ जाते हैं बैकिंग वोकल्स में। बैकिंग वोकल्स में मेनली एडलिब्स हैं गाने की। इसमें भी सिमिलर प्रोसेसिंग है जैसे मेन वोकल पे है, बाकी इसमें अलग ये है कि एक तो इमेजिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड की है ताकि एडलिब्स हैं और थोड़ा सा पीछे सुनाई दें, साइड्स पे सुनाई दें, और OTT ऐड किया, थोड़े से कंप्रेस सुनाई दे, भरे भरे से सुनाई दे। रिवर्ब उतनी ही है और बहुत ही स्मूथली ना हाईज और हाई मिड्स जो हैं वो कम किए हैं ताकि मेन वोकल को तंग ना करें। और सभी वोकल्स को वोकल बस में भेजा है और उस पर अलग प्रोसेसिंग किया ताकि और वेट ऐड हो सके वोकल्स में, जैसे कि साउंड गुडाइजर, तो ये थोड़ा सा ही ऐड किया। इसकी मुझे टोन अच्छी लग रही थी इस पर, तुम्हें सुनाता हूँ मैं। हाइज को थोड़ा सा और पुश किया इसने और थोड़ा सा विड्थ भी ऐड किया इसने।
और ये वैसे तो 808 के लिए बना है प्लगइन, बाकी डिस्टॉर्शन प्लगइन है तो ये थोड़ी सी ऐड की है। ये थोड़ी सी मिड्स में ना वो क्रंच ऐड कर रही है, एक तरह का अपना ही टेक्सचर, वो बहुत अच्छा लग रहा है इनकी वोकल्स पे। उसके बाद एक पैरामेट्रिक ईक्यू है पूरे ग्रुप पे, इसमें थोड़े से हाई मिड्स जो थे मुझे ज़्यादा चुभ रहे थे कानों को, वो कम किए हैं और हाईज कम किए थोड़ी सी। और पूरे गाने में पूरे ग्रुप की ऑटोमेशन करने के लिए ये है। और किक स्टार्ट ये लास्ट पार्ट में जो चलता है ना, ड्रॉप आता है, तो वहाँ पे वोकल भी साइड सीन की गई है, तो वो इससे की गई है। बस वोकल्स के लिए इतना ही था, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं नेक्स्ट कौन से गाने का ब्रेकडाउन करूँ।